हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द हॉस्पिटल फार्मुल तो हॉस्पिटल फार्मुल के बारे में ये हमारा पार्ट टू वीडियो लेक्चर है एंड इसके अंदर हम और डिटेल में जानकारी देंगे आपको कि हॉस्पिटल फार्मुलरी किस तरह से प्रिपेयर की जाती है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड मेन जो गाइडलाइंस रूल्स वगैरह जो फॉलो किए जाते हैं टू डेवलप दिस हॉस्पिटल जो फार्मुलियरी एग्जामिनेशन एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों के लिए खूबच आई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो फिर से डिटेल में स्टार्ट करते हैं इसके बारे में रिगार्डिंग हॉस्पिटल तो बी अपडेटेड विद फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एम प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड निवर मी एनी वीडियो ऑफ फार्मा रॉक्स Pharmarox mobile application is now available to so get the links in the description box about Pharmarox mobile application so you will get the links in the description box for android application which is available on google play store and apple iphone app which is available on app store so get the links in the description box and get the access of study material test series video lecture and study material in pdf

तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी मतलब कि लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजेंट यहाँ पे जो नाम दिया है फार्मास्यूटिकल एजेंट तो जिसके अंदर जितने भी हमारे ए टू जेड जितने भी फार्मास्यूटिकल एजेंट्स से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन से कि जो अवेलेबल होती है किसी भी फार्मेसी के अंदर फार्मेसी मतलब कि जहाँ पे मेडिसिन का डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो रन करते हैं प्रॉपर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट एंड जब ये फार्मेसी हॉस्पिटल में होती है तो वो कही जाती है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी एज वेल एज हॉस्पिटल के लिए जो हम फॉर्मुलरी डिज़ाइन करते हैं कि लिस्ट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल एजेंट्स विच इज़ यूजफुल फॉर द यूज ऑफ मेडिकल स्टाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल तो वो कहा जाएगा हॉस्पिटल फार्मुल जिसके अंदर ए टू जेड इंफॉर्मेशन है प्रॉपर लिस्ट है फार्मास्यूटिकल एजेंट्स की और उसमें सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम प्रॉपर स्टोर कर देंगे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए क्लाइक ये है नेम ऑफ ड्रग उसका डोजेस फॉर्म और उसकी स्ट्रेंथ तो ये इस तरह से जितनी भी मेडिसिन अवेलेबल है उनका प्रॉपर अल्फाबेटिकल की यहाँ पे देखो सबसे पहले ये ए वाली मेडिसिन है उसके बाद सी वाला स्टार्ट हो रहा है फिर डी पे है ई e, एफ़ पे कोई नहीं है इसलिए डायरेक्टली डी फिर एफ यहाँ पे है फ्यूरोसामाइड जी तो प्रॉपरली जो अल्फ़ाबेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग टू तो फॉलो करके ये फॉर्मुलरीज बनाई जाती है एंड स्पेशली इसके अंदर जो मेडिकल स्टाफ के क्लिनिकल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो जो क्लिनिकल व्यूज़ होता है मेडिकल स्टाफ का कि कैसे आप ये फार्मास्यूटिकल एजेंट्स को यूज़ करोगे तो उसके बारे में प्रॉपर लिस्टिंग होता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर तो उसका कंटेंट हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में कि इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कंसर्निंग द ड्रग जब हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन यूज़ हो जाती है अलग अलग फार्मास्यूटिकल एजेंट्स के लाइक टैबलेट है कैप्सूल है इंजेक्शन है वायल्स है तो उनको जो यूज़ करने के लिए प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द ड्रग्स ऑल्सो द ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन तो सबसे पहले जो पॉलिसीज होती है तो, तो किस तरह से ड्रग यूज़ की जाए डिस्क्रिप्शन ऑफ पी टी सी एंड थेरापिटिक कमिटी हॉस्पिटल रेगुलेशन अबाउट द प्रिस्क्राइबिंग डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग तो हॉस्पिटल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अबाउट प्रिस्क्राइबिंग जब मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है उसके बाद उनका डिस्पेंसिंग होता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रॉपर जो भी रूट से आपको उनको एडमिनिस्ट्रेट करना है पेशेंट के अंदर कि आप टैबलेट यूज कर रहे हैं कैप्सूल इंजेक्शन तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है रूल्स फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवस इमरजेंसी ड्रग प्रोडक्ट्स फार्मसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन यूजिंग फार्मुल कैसे आप फॉर्मुल को यूज करें उसकी भी इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मतलब कि पॉलिसीस और उसके बाद जो प्रोसीजर आती है तो प्रोसीजर के अंदर कि किस तरह से आप उसको यूज़ करें फिर फार्मेसी को कैसे आप ऑपरेट करें कि मतलब कि जो हम कहते हैं ड्रग स्टोर मैनेजमेंट तो वो सभी प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज की जो एक प्रकार से आपके लिए एक गाइड का काम करती है ये फॉर्मुलरी कि ए टू जेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है उसके अंदर तो ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर अल्फाबेटिकली बाय जीनेरिक नेम अल्फ़ाबेटिकली विद इन थेरापिटिक क्लास फिर उसके अंदर कौन सा डोजेस फॉर्म स्ट्रेंथ पैकेजिंग के डिटेल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एडल्ट एंड पेडियाट्रिक डोज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सब कुछ हम उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं उसके बाद जरूरी है ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग तो लिस्टिंग प्रॉपर इंडेक्स के अकॉर्डिंग टू तो द इंडेक्स खास होनी चाहिए वो भी अल्फाबेटिकली के सबसे पहले ए वाला फिर बी सी डी ऐसे प्रॉपर इंडेक्स हो प्लस जेनेरिक नेम के बेस पे बना हुआ ब्रांड नेम थेरापिटिक इंडेक्स डिजाइन करो या फिर फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स तो ये सब जरूरी है किसी भी फार्मुलरी के अंदर फिर उसके अंदर कुछ स्पेशल इंफॉर्मेश्स लाइक इक्विवेलेंट डोजेज ऑफ सिमिलर ड्रग कि दो ड्रग समझो कि सिमिलर है तो उनके इक्विवेलेंट डोज कि ड्रग ए का 500 हंड्रेड डोज इक्विवेलेंट टू ड्रग बी का टू थ्री हंड्रेड एम जी चलो रखते हैं तो ये भी इंफॉर्मेशन इस तरह से जो रिसर्च बेस होती है अलग अलग आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं लेटेस्ट उसके बेसिस पे ये जो इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए वो फॉर्मुलरी के अंदर कि इक्विवेलेंट डोजेस कि जब आप डोज के अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंसी की बात करते हैं तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है फिर हॉस्पिटल के अप्रूवल कि जो कई बार यूज़ होते हैं कि लाइक लिखते हैं कि डायरेक्टली सीपीएम लिखा है तो व्हाट इज सीपीएम सीपीएम मतलब क्लोरफिलाइन एमाइन मैलेट सीपीएम तो हॉस्पिटल के जो द्वारा अप्रूवल होना चाहिए कि जो भी आप प्रिस्क्रिप जो एब्रीवेशन यूज करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर समझो कि आप डायरेक्टली पीसीएम लिखते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय द सी तो तो के फुल फॉर्म जरूर से इंक्लूड करने चाहिए फॉर्मुले पीसीएम मतलब कि पैरासिटामोल ऐसे ही कई बार और भी और एब्रीवेश लाइक ओडी तो उसका मतलब क्या हुआ तो ओडी मतलब वंस इन ए डे तो ये तो शॉर्ट फॉर्म हुए बट जब आप फॉर्मुलरी डिज़ाइन करते हैं तो समझो कि किसी को उसमें से प्रॉपर नॉलेज लेना है रिविजन करना है प्रॉपर चेक करना है किस की डिटेल की जब कोई क्वेरीज होगी जब क्वेश्चन मार्क होता है क्वेरीज का कोई क्वेश्चन मार्क तो उस वक्त ये फॉर्मुलरी आपके लिए बन जाती है प्रॉपर गाइड एज वेल एज इट ऑल्सो बिकम अ रेफरेंस बुक फॉर यू कि जब कोई भी क्वेरी होगी क्वेश्चन मार्क होगा तो उस वक्त ये फॉर्मुलरी आपके लिए गाइड का काम करेगी और एंड रेफरेंस बुक का काम करेगी तो ऐसा नहीं कि जब समझो कि आपके पास ऐसी एक फॉर्मुलरी प्रॉपर सेट की हो तो उस वक्त आपको अलग अलग बुक्स की जरूरत नहीं रहती बिकॉज कि समझो कि फॉर्मुलरी ना हो तो फिर आप क्या करोगे नेट सोर्सेस पे चेक करोगे और समझो कि वहाँ पे जेन्यून इंफॉर्मेशन मिली भी ना भी मिली तो वो भी डाउटफुल रहता है बट जब कोई प्रॉपर ऑथोराइजेशन के साथ कोई ऐसा पब्लिकेशन आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो यह है इंपॉर्टेंस का कि जो इसके अंदर होने चाहिए ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन फिर किस तरह से आप पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेट करें शुगर फ्री ड्रग्स का लिस्ट डायलाइजेबल मैट्रिक कन्वर्जन टेबल

अवेलेबल होती है एक को हम कहते हैं ओपन फॉर्मुलरी वन इज द ओपन फॉर्मुलरी एंड द सेकंड इज द क्लोज फॉर्मुलरी तो दोनों को समझते हैं अच्छे से कि व्हाट इज क्लोज एंड व्हाट इज ओपन तो ओपन में सबसे पहले ये पॉइंट पे ध्यान रखो आप कि क्या लिखा है कि सर्व मेरली एज अ गाइड तो ये पॉइंट पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कि सर्व एज अ गाइड कि अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फॉर्मुलरी एक गाइड का काम करती है कि जब आपके लिए माइंड में जब कोई भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन मार्क बन जाता है किसी भी चीज पे जाके या फिर किसी भी पॉइंट पे जाके आपके लिए क्वेश्चन मार्क बनता है तो उस वक्त उसका सॉल्यूशन बन जाएगा आपके लिए ये फॉर्मुलरी तो अ फिजिशियन में प्रिस्क्राइब एनी ड्रग बट इज इनकरेज टू यूज द फॉर्मुल प्रिस्क्राइबिंग डिसीजन तो ओपन फार्मुल के अंदर एक टाइप के गाइड का काम करेगी और उसमें से आप कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंड एक दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं कि प्रॉपर ए टू जेड इंफॉर्मेशन ऑफ अप्रूवल ड्रग्स कि जो मेडिसिंस अप्रूवल होती है वो सभी का ए टू जेड इंफॉर्मेशन रहता है ओपन फॉर्मुलरी के अंदर कि ये ओपन है किसी भी तरह से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं है इट इज ओपन एंड एनी वन कैन यूज दिस ओपन फॉर्मुलरीज जबकि क्लोज फॉर्मुलरी का पॉइंट देखोगे ये पहला कि लिमिटेड लिस्ट ऑफ मेडिकेशन क्लोज फॉर्मुलरी के अंदर लिमिटेड लिस्ट है ऐसा क्यों कि अ क्लोज फॉर्मुलरी में लिमिट द ड्रग टू स्पेसिफिक फिजिशियंस पेशेंट केयर एरियाज और डिसीज स्टेट्स वाया फॉर्मुलरी रिस्ट्रिक्शंस ये फॉर्मुलरी के अंदर दिए हुए हैं रिस्ट्रिक्शंस तो रिस्ट्रिक्शंस है restrictions. जिसके कारण उसको हम क्लोज कहते हैं क्लोज का मतलब यह कि उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है लिमिटेड लिस्ट है प्लस यहाँ पे जो मेडिसिन को लिमिट किया गया है स्पेसिफिक फिजिशियन। कि की कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल पर्टिकुलर हॉस्पिटल में भी कुछ स्पेसिफिक फिजिशियंस के लिए जो आप लिस्ट बनाते हैं कि समझे कि फॉर एग्जाम्पल आपने हंड्रेड मेडिसिन का लिस्ट बनाते हो कि जो आप रूटीनली पेशेंट्स को देते हैं कि जितनी भी अलग अलग डिसीज़ है उसके अंदर टोटल हो कि आप हंड्रेड जितनी मेडिसिन से यूज करते हो और वही हंड्रेड मेडिसिन आपके फार्मेसी के अंदर प्रेजेंट है कि वहाँ से वो पेशेंट इजीली फार्मेसी में से वो मेडिसिन ले लेगा तो ये जो फिजिसियन है वो वही मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि जो फार्मुलरी के अंदर लिस्टेड है एंड आर अवेलेबल इन फार्मेसी बिकॉज अगर वो लिखते हैं बट फार्मेसी में अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज फार्मेसी में वही मेडिसिन अवेलेबल होगी कि जो ये क्लोज फार्मुलरी के अंदर लिस्टेड हो और ये मेडिसिन कैसी होगी लिमिटेड कि जैसे एग्जाम्पल हंड्रेड मेडिसिन तो यहाँ पे एक लिमिट आ जाती है रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं आपके लिए क्लोज फॉर्मुलरीज के अंदर तो क्लोज फार्मुल एंड ओपन फार्मुल दो टाइप की फार्मुलरिज होती है ओपन फार्मुलज में से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ए टू जेड इंफॉर्मेशन और कोई भी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे लिखा जा सकता है तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखने थे आपको रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ ए फॉर्मुलरीज आगे सीखते हैं अब कि प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलरी फॉर्मुल प्रिपरेशन मतलब कि बनाई कैसे जाती है अब तक हमने जो देखे कॉन्सेप्ट वो देखे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द फॉर्मुलरी अब ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट को यूज करके समझो कि आपको अब प्रॉपर करना है उसका अप्लाई अब उसका प्रैक्टिकल करोगे या फिर यू विल स्टार्ट टू प्रिपेयर अब आप उसका बनाने का स्टार्ट कर रहे हो कि जैसे भी समझो कि आपको कोई रेसिपी देखते हो बुक के अंदर टीवी पे देखते हैं या फिर यूट्यूब पे देखते हैं, तो पहले तो आप वो रेसिपी को देखते हैं कि किस तरह से बनाई जाती है वो समझते हैं बट नेक्स्ट स्टेप होता है उसको आप कैसे प्रिपेयर करें उसका आप अप्लाई करते हो तो अब यही बात है कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो विजुअली प्लीजिंग इजीली रीडेबल आप ऐसी बनाओगे कि कैसी हो इजीली रीडेबल अब यह पॉइंट समझिए एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन एक ऐसा है कि उसमें पूछा जाता है कंटेंट उसमें पूछा जाता है कंटेंट तो कंटेंट की जो हमने ये स्लाइड से पहले आप वीडियो के अंदर रिवर्स जाओगे तो जितनी भी आपको स्लाइड्स मिलेगी वो कवर करता है कंटेंट कंटेंट एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है कि ये ये चीज आपको उसके अंदर इंक्लूड करनी चाहिए जैसे कि आप समझो कि कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी में लिखा है कि आप नमक डालो जीरा डालो राई डालो जो भी आपको अलग अलग मसाले देने हैं मिर्ची हल्दी गरम मसाला तो वो आपको वो थियोरेटिकल दे रहे हैं कि ये ये चीज करोगे तो आपकी ये डिस इस तरह से प्रिपेयर होगी बट अब आपकी चॉइस है तो उसमें से कौन सा लेते हैं कौन सा एलिमिनेट करते हैं बराबर है तो यही है कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन का कि पहले आपने कंटेंट समझा कौन सा कौन सा ऐड करना चाहिए और उसके बेसिस पर अब आप ये साइड जैसे जाओगे वीडियो के अंदर कि जो ये हमारा वीडियो है फॉर्मुलरी का तो ये साइड थे हम कंटेंट की ओर और अब जो आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ेंगे प्रिपरेशन की और लास्ट में हम प्रिपेयर होते भी देखेंगे कि कैसे आपकी फॉर्मुलरी तैयार हुई है तो शुरुआत करते हैं अब सबसे पहले तो जब आप बनाने बैठते हो फॉर्मुलरी तो विजुअली प्लीजिंग होनी चाहिए प्लीजिंग मतलब कि और देखते ही आपको पसंद आ जैसे कोई खाने के अंदर कोई डिश बनती है उसका जो गार्निशिंग होता है उसका जो आउटर एपियरेंस होता है होता है उसे तुरंत आपको वो चीज़ पसंद आ जाती है सेम लाइक दैट फॉर्मुलरी भी ऐसी हो कि इट मस्ट बी विजुअली प्लीजिंग कि आपको ऐसे आपके वहाँ पे फॉर्मुलरी हो प्रॉपर कि किसी भी व्यक्ति को वो लेकर पढ़ने का मन हो कि ये आपने फॉर्मुलरी तो डिजाइन कर ली बट दूसरी चीज जरूरी है कि उसका यूटिलाइजेशन मस्ट बी यूज फॉर्मुलरी बनने के बाद वो जरूर से यूज होनी चाहिए इसलिए प्लीजिंग इजिली रीडेबल क्या आप उसको इजीली रीड कर सके उसके बाद प्रोफेशनल इन अपियरेंस अपियरेंस में इसका जो अपियरेंस है कि लुक इट मस्ट भी प्रोफेशनल लुक कि आप जब उसको देखो तो लगे कि नहीं कंटेंट भी है एज वेल well एज फॉर्मुलरी का सभी तरह से प्रॉपर वो सेटअप है तो इस तरह से समझो कि आपका वहां पर टेबल पे ये फॉर्मुल पढ़ी है तो इट्स मस्ट भी अट्रेक्टिव प्लीजिंग ईजिली रीडेबल इजी रीडेबल इसलिए कि उसके जो आप समझो कि टाइप करते हो तो उसकी जो फ्रॉन्ट है फ्रॉन्ट साइज वगैरह है तो ऐसी होनी चाहिए कि प्रॉपर आप उसको रीड कर सके एंड मस्ट है फॉलोइंग कंपोजिशन तो वो देखते हैं आप कौन से कंपोजिशन उसके अंदर होने चाहिए तो एक तो टाइटल पेज आप जरूर से उसके अंदर एड करो फर्स्ट टाइटल पेज उसके बाद नेम्स एंड टाइटल ऑफ द मेंबर्स ऑफ पीटीसी के पीटीसी के जो मेंबर्स थे उनके नेम प्रॉपर टाइटल्स के साथ उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कंसर्निंग द ड्रग्स फिर जो हमने देखा कि जो कंटेंट के अंदर हमने देखा था कि हॉस्पिटल के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप ऐड करो तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आपका टाइटल पेज एंड प्रॉपर उसका कवर पेज क्योंकि कवर पेज ही आपको क्या देगा प्रॉपर विजुअली प्लेजिंग एंड इजीली रीडेबल प्रोफेशनल अपियरेंस उसके बाद आपका टाइटल पेज आ जाएगा नेम्स एंड टाइटल होंगे मेंबर ऑफ पीटीसी के फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करोगे कि अलग अलग टेबल्स कि कौन से पेज पे क्या कंटेंट है वो प्रॉपर टेबल रहेंगे उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड कंसर्निंग ड्रग प्रोडक्ट एक्सेप्टेड फॉर यूज एट हॉस्पिटल एंड अपेंडिक्स तो इस तरह से प्रॉपर उसका फॉर्मेट तैयार होगा प्रिपरेशन के अंदर ये इसको हम कह सकते हैं उसका फॉर्मेट तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू तो आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लगे कि स्टार्टिंग पेजेस की जो कंटेंट द एक्नोलेजमेंट कि जो हम टाइटल पेजेस कवर पेजेस की बात करते हैं उसके बाद जो आप इंट्रोडक्शन पेजेस रखते हैं जिसके अंदर एक्नोलेजमेंट रहेगा कि आप किसी को एक्नोलेज करते हैं कि जिस जो भी ने आपको ये फार्मुलरी बनाने में हेल्प की है कोई सपोर्टिंग स्टाफ तो सभी को आप एक्नोलेज करते हैं तो एक्नोलमेंट पेज लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ कि यह खास के जैसे आप देख सकते डब्ल्यू एच ओ तो उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पी एच ई आर लिखा है तो उसका मतलब क्या तो यूरोपियन फार्माकोपिया सी एस लिखा है तो उसका मतलब केमिकल एबस्ट्रैक्ट डीएस लिखा है मतलब कि ड्राई सब्सटेंस एस आर लिखा है तो सस्टेन रिलीज़ बिकॉज टैबलेट्स के पीछे खास लिखा होता है एस आर तो ये खास जरूरी है सस्टेन रिलीज सी पी आर क्यूमिटी परसेंटेज रिलीज तो ये एब्रीवेश खास जरूरी है एंड लिस्ट ऑफ ड्रग यूज इन द फॉर्मुलरी और उसके बाद प्रॉपर आपकी लिस्ट ऑफ ड्रग इन तो ये है स्टार्टिंग पेजेस उसके बाद आप बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन सी इंक्लूड करेंगे रिगार्डिंग द ड्रग तो उसका जीनेरिक नेम डोजेस फॉर्म फिर स्ट्रेंथ इंडिकेशंस फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रिकॉशंस साइड इफेक्ट डोजेस फ्रीक्वेंसी, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस उसकी प्राइस, रेगुलेटरी कैटेगरी स्टोरेज गाइडलाइन पेशेंट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रांड नेम तो जीनेरिक नेम से जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसका जीनेरिक नेम क्या है डोजेस फॉर्म कौन से टाइप का है उसकी तो स्ट्रेंथ कितनी है इंडिकेशन तो जो हम कहते हैं कि प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एज वेल एज ऑल्सो द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइज एंड स्टोरेज गाइडलाइन कि फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज फार्मास्यूटिकल दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप स्टोर करोगे प्रॉपरली बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर ड्रग की तो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इच्छ ड्रग दैट कंटेंट द एफिकेसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन और वो जरूरी है साथ में सेफ्टी प्रोफाइल कि जो सेफ्टी प्रोफाइल होता है ऑफ द आइटम इंटरेक्शन प्रोफाइल एंड एडवर्स इफेक्ट वो ऐड करना जरूरी है फिर फार्मा फार्माको काइनेटिक प्रोफाइल अवेबिलिटी ऑफ द आइटम एंड डोजेस पॉम्प की वो आइटम और वो डोजेस फॉर्म अवेलेबल है या नहीं कॉस्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी टू द पेशेंट कि आपके पास वो आइटम और डोजेसारम्प अवेलेबल है पर पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं वो भी चीज जरूरी है कि जो कुछ डोजेस फॉर्म ऐसे होते कि पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर वो जो है वो आपको खास मैंशन uh, करना चाहिए कि जब अपडेटेड वर्जन हो तो ये चीज प्रॉपर रिव्यूज के बेस पर है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट कि पेशेंट की आप रिव्यूज लेते हैं कि जो फीडबैक होते हैं तो ये फीडबैक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि जो फीडबैक रिव्यूज वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं उसके बेसिस पर एक्सेप्टेबिलिटी हमें पता चलती है कि कौन सा डोजेस फॉर्म पॉपुलर है एंड कौन सा रूट पेशेंट सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं मेडिकेशंस के लिए फिर जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें कि लाइक स्टोरेज गाइडलाइन पेशेंट काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पेशेंट है उसका प्रॉपर हो रहा है काउंसलिंग तो जब पेशेंट का हम काउंसलिंग करते हैं तो तो पेशेंट काउंसलिंग प्रॉपर होना जरूरी है इसके लिए उसके रिलेटेड जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस सभी आपको वहां पे देनी चाहिए कि किस तरह से आप पेशेंट काउंसलिंग करें इफेक्टिव वेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सभी को वहाँ पे ऐड करना बहुत ही जरूरी है उसके बाद लेबलिंग इंफॉर्मेशन कि जो हमारा लेबल होता है डोजेस फॉर्म के ऊपर ब्रांड नेम्स एंड प्राइस उसके बाद जो गाइडलाइंस तो प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग रिलेटेड गाइडलाइन की जो आपका प्रिस्क्रिप्शन कि जिसको हम कहते हैं आर एक्स यू टेक तो प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड गाइडलाइंस की प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग ये जो प्रिस्क्रिप्शन को जब राइट किया जाता है तो उसके रिलेटेड प्रॉपर प्रिंसिपल्स कि कौन से प्रिंसिपल्स रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके आप प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं फिर जरूरी है रिपोर्टिंग करना एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की जिसको हम कहते हैं एडीआर या फिर दूसरे वर्ड में सिंपल कहे तो साइड इफेक्ट्स की जो साइड इफेक्ट्स होती है और नॉट ओनली द रिपोर्टिंग बट आल्सो अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द एडीआर कि कैसे आप डी को प्रिवेंट करे तो उसके लिए कोई अल्टरनेट हो चीज अल्टरनेट रेमेडी और डोजेस फॉर्म कि लाइक किसी पेशेंट को डोजेस फॉर्म ए से एडीआर हो रही है बट देर इज नो एडीआर इन डोजेस फॉर्म बी एडीआर यहाँ पे नहीं हो रही तो आप प्रिवेंट करवा सकते हो डोजेस फॉर्म बी दे के टू दैट पेशेंट की ए एंड बी की इफेक्ट सेम है बट बी के कारण एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रही है पेशेंट को तो आप ए के बजाय उसको बी दे सकते हैं तो ये सब इंफॉर्मेशन भी फॉर्मुलरी के अंदर जरूर से ऐड होनी चाहिए फिर जनरल ड्रग यूज एंड एडवाइजिस की यूज ऑफ आईवी ड्रग्स की जो इंट्रावेनसली आप देते हैं उसके रिलेटेड प्रॉपर एडवाइजिस कि उसको कैसे यूज़ करें फिर स्पेशल सिचुएशंस लाइक प्रेगनेंसी की जो हम प्रेगनेंसी के अंदर जो मेडिसिन देते हैं वो मस्ट बी कैसी होनी चाहिए सेफ कि आगे जाके आफ्टर प्रेगनेंसी भी जब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो एज वेल एज डायरेक्टली समझो कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए फिर किसी को लीवर डिसीज है किडनी डिसीज है उस वक्त प्रॉपर एडवाइस देनी चाहिए कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए फिर पॉइजन इंफॉर्मेशन एंड उनके एंटीडॉट्स कि जो हम बात करते हैं पॉइजन एंड देयर एंटीडॉट्स कि कौन से पॉइजन का कौन सा एंटीडॉट तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है प्राइम ये जरूर से ऐड करनी ही चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ स्नैक बाइट एंड इंसेक्ट बाइट कि ये बहुत ही लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स से है कि समझिए कि किसी को स्नैक बाइट होता है और उसकी प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट हो जाती है तो पेशेंट को आप बचा सकते हैं तो उसके रिलेटेड जरूरी जो एंटीविनोम्स होते हैं कि स्नेक का जो जहर होता है उसको हम विनोम कहते हैं तो उसके रिलेटेड प्रॉपर एंटीविनोम की इंफॉर्मेशन और वो एंटीविनोम्स वगैरह प्रॉपर हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए कि कभी भी समझो कि इस टाइप का कोई स्नैक बाइट का केस आता है इंसेक्ट बाइट का तो वो हॉस्पिटल एज वेल हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए तो ये है जनरल यूज एंड एडवाइजेज कि जो आप इंक्लूड करेंगे आगे फॉर्मुलरी के अंदर उसके बाद चिल्ड्रंस डोज कि जो छोटे बच्चे के लिए एज वेल एज जो बेबी केयर जो हम कहते हैं उसके रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्मॉल बेबी एज वेल एज द चाइल्ड चाइल्ड एज वेल एज चिल्ड्रंस के लिए कैसे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसके रिलेटेड स्पेशल डोजिंग इंफॉर्मेशन वो खास जरूरी है उसके बाद रीनल एडजस्टमेंट कि जो रेनल फेलोर या रीनल के रिलेटेड प्रॉब्लम वाले पेशेंट हो मैट्रिक्स यूनिट्स एंड डायग्नोस्टिक एड ये सभी मिसेलिनियस इंफॉर्मेशन भी आप ऐड करोगे अब बात आती है आगे फॉर्मेटिंग की तो फार्मासिस्ट डिसाइड द फॉर्मेट बिफोर कमेंसिंग द वर्क ऑन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इन, इन द हॉस्पिटल की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो वर्ड है तो जिसके अंदर स्पेशली हम किसी डॉक्यूमेंट का टाइप करते हैं तो फॉर्मुलरी का भी जब पेजेस जो हम चैप्टर्स अलग अलग डेवलप करेंगे उसके अलग अलग चैप्टर्स या फिर उसके अलग अलग जो सेक्शंस आप बनाओगे तो प्रॉपरली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही डिज़ाइन करोगे तो उसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना कि प्रॉपर कैसे आप इसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेटिंग करते हैं कि जिसके अंदर उसके प्रॉपर पेज लेआउट सेट करना उसके ये फ्रॉन्ट कि कितने आप फ्रंट कौन सा यूज़ करते हैं फिर उसकी साइज फिर उसको बोल्ड रखते हो कहाँ पे इटा लिख करते हो कहाँ पे अंडरलाइन रखते हो कहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट करते हो कहाँ पे सबस्क्रिप्ट करते हो कहाँ पे आप नंबरिंग देते हो बुलेट्स वगैरह फिर ये अलाइनमेंट कि सेंटर अलाइनमेंट रखते हो लेफ्ट राइट right या फिर जस्टिफाई करते हो कितनी आप उसके अंदर लाइन स्पेसिंग रखते हो तो यह बात है कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग की जो हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड के अंदर तो ही हैज टू कलेक्ट द फॉर्मुलरीज़ ऑफ़ सम लीडिंग हॉस्पिटल एज वेल एज देयर फॉर्मेट कि जब फार्मासिस्ट अब चैप्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं आखिर फाइनल फॉर्मेटिंग जब करते हैं तो उस वक्त यह सब चीजों का ध्यान रखना है एज वेल एज वो सैम्पल फार्मुलरीज भी चेक कर सकते हैं अलग अलग जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हो और उनके फॉर्मेट आप चेक कर सकते हैं कॉपीज ऑफ फाइनली पब्लिश फॉर्मुलरी मे बी सेंड टू बॉडीज लाइक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की जिसको हम कहते हैं फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पीसीआई वगैरह को भी आप उसकी एक एक कॉपी सेंड करते हैं तो ये बात हुई फॉर्मेटिंग की प्रॉपर उसको आप करते हैं फॉर्मेट अब बात आती है साइज की आपने प्रॉपर फॉर्मेट कर लिए उसके ये चैप्टर्स बन गए आपके तो इट इज सफिशेंटली स्मॉल इन साइज सो दैट इट कूड बी इजीली कैरिड बाय क्लिनिशियन नर्सिस एक्सेट्रा इन द पॉकेट ऑफ देयर यूनिफॉर्म और लैब कोट अब समझो कि आप ये वाली साइज की बनाते हो कि जो बिज़ीली आप एप्रॉन के अंदर रख सकते हैं कोट के अंदर रख सकते हैं लैब के एज वेल एज इजीली उसको कर सकते हैं कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लेसि प्रॉपर ये साइज आप सेटअप करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा प्लेस यही टाइप का आप उसको प्रॉपर करवाते हैं बाइंडिंग देन द हॉस्पिटल में डिटरमाइन their own ऑन साइज ऑफ द फॉर्मुल अब ऐसा नहीं कि पॉकेट साइज की ही बनानी है डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल के ऐसे जरूर के वो प्रॉपर एक जैसे आपने इंडियन फार्माकॉपियाँ देखी होगी ऐसे बनानी हो या फिर जैसे आप आपके पोस्ट ग्रेजुएसन रिलेटेड एम फार्मा रिलेटेड जो थीसिस बनाते हैं उस टाइप की भी डेवलप करनी हो तो भी आप कर सकते हैं तो यही बात है अगर टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड प्रिंटिंग की कि इस टाइप का लूज और लूज लिफ कि ये जो है लूज बाइंडिंग हम कह सकते हैं उसको लूज लिफ बाइंडिंग टाइप का हम उसको ये स्पाइरल बाइंडिंग जैसा भी कहते हैं कि इस टाइप के स्पाइरल्स होते हैं और उससे आपके जो पेजेस बाइंड होते हैं उसको कहते हैं कि लीफ कि सभी पेज आपके सेपरेट है और उसको इस टाइप के रिंग वगैरह से प्रॉपर बाइंड किए हैं दूसरा होता है बाउंड तो ये वाला कि ये जो उसका जो कवर पेज है प्रॉपर सबसे पहले बुक कवर है वो अलग ही क्वालिटी का होगा फिर उसके अंदर ये अलग अलग उसके पेजेस तो ये प्रॉपर स्ट्रेंथ वाला ही उसका कवर रहेगा कि जिसके कारण अंदर से भी डैमेज ना हो रहा लॉन्ग टाइम तक उसको आप प्रॉपरली यूज कर पाए उसके पेजेस भी हमेशा प्रॉपर बाइंड रहेंगे फिर है प्रिंटेड और माय मै, मायमियोग्राफ प्रिंटेड कि जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आप प्रॉपर उनको प्रिंट कर देंगे जब आप उसको टाइप करते हैं तो उसका प्रॉपर प्रिंटिंग करवाते हैं एंड इंडेक्सिंग एंड एसाइनिंग कैटेगरीज कि प्रॉपर इंडेक्सेस एंड एसाइनिंग कैटेगरीज के, के साथ उसको आप अब प्रॉपर पब्लिश करते हैं तो ये बात थी उसके फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस फॉर्मुलरी दैट द फर्स्ट इज द ड्रग सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी मेडिकल स्टाफ विच इज अवेलेबल इन हॉस्पिटल तो सबसे पहले तो ड्रग सिलेक्शन उसके बाद प्रमोटिंग फॉर्मुलरी फार्मुल आपने फॉर्मुलरी बनाई है तो उसको बाद उसको प्रमोट करना जरूरी है समझे कि, कि यह है हाथ में फॉर्मुलरी बनाई हुई है तो यह फॉर्मुलरी को प्रॉपर आप जो है वो करते हैं प्रमोट कि दिस इज योर फॉर्मुलरी कि सभी मेहनत करने के बाद यह आपकी फॉर्मुलरी पब्लिश होकर अब रेडी है तो अब आप क्या करते हैं उसको प्रॉपर प्रमोट करते हैं रिव्यू एंड टेक एक्शन ऑन ऑल नॉन फार्मुलरी ड्रग यूज इन द हॉस्पिटल फिर आप रिव्यू करेंगे एंड टेक एक्शन ऑन ऑन नॉन फार्मूलटी ड्रग यूज इन हॉस्पिटल कि ये फार्मूलिटी के अंदर जो है उसके अलावा कौन सी यूज़ हो रही है नॉन फार्मूलिटी ड्रग्स की जो फार्मूलिटी के अंदर लिस्टेड नहीं है फिर भी यूज हो रही है तो उसको आप अच्छे से रिव्यू करिए एंड उसके सामने एक्शन लीजिए प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ हॉस्पिटल फार्मूले टू ऑल द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल और ये जो फार्मूलेट तैयार है उसकी जो कॉपी है वो हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स को आप प्रोवाइड करेंगे जिससे वो प्रॉपर उसको जो है वो रीड कर सके एज वेल एज़ कोई क्वेरीज वगैरह होगी कोई चेंजेस करने हो या फिर कोई नेक्स्ट एडिशन के लिए कुछ आपको उसमें अपडेट्स करने हैं तो वो प्रॉपर आपको गाइड कर सके एंड सजेशंस दे सके तो ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इन्वॉल्व द मेडिकल स्टाफ इन वेरियस फॉर्मुल इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम कि जब आपके पास ये के समझे कि छोटी बनाई है पॉकेट फार्मुलरीज तो मेडिकल स्टाफ को भी जरूरी है इन्वॉल्व करना उसके अंदर देन गिव मच एडवरटाइजमेंट एंड पब्लिसिटी रिगार्डिंग कि जब हॉस्पिटल में ऐसी फार्मुल तैयार करते हैं फार्मासिस्ट विथ द सपोर्टिंग स्टाफ तो प्रॉपर उसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी करना जरूरी है एंड उसके बाद प्रॉपर रिविजन ऑफ कि जिससे आप कोई एरर्स वगैरह हो, हो तो रिड्यूस कर सकें अब बात है फॉर्मुलरी वर्सेस ड्रग लिस्ट तो ये डिफरेंस जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉर्मुलरी वर्सेस ड्रग लिस्ट तो व्हाट इज फॉर्मुलरी तो फॉर्मुलरी हमने देखा कि लाइन लिस्टिंग प्रॉपरली कि जिसके अंदर जीनेरिक नेम से फॉलो बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथ पर्सोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी यूज रिकमेंडेड डिस्पेंस और प्रॉपर अप्रूवल ड्रग और प्रिपेयर लोकली बाइट्स ऑन क्लिनिकल स्टाफ एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज सब्जेक्ट टू लोकल नीड्स एंड डिजायर कि जब हॉस्पिटल के अंदर जरूरत है किसी नेशन को जरूरत है किसी स्टेट को जरूरत है तो उसके लिए ये हम फॉर्मुलरी डिज़ाइन करते हैं जबकि ड्रग लिस्ट क्या है तो जीनेरिक नेम्स फॉलो बाय द दे डेटा ऑन स्ट्रेंथ एंड फॉर्म प्रिपेयर बाय कंट्रीज आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग क्लिनिशियंस फार्माकोलॉजिस्ट एंड फार्मासिस्ट अकॉर्डिंग टू तो देयर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ड्रग लिस्ट कि समझो कि आप कोई भी फार्माकोलॉजी की बुक्स लेते हैं एनी फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल फार्मेसी की कोई भी आप बुक लेते हैं रेफरेंस बुक तो उसके अंदर जो ड्रग्स लिस्ट होती है वो हो गई है लिस्ट की ये जनरल इंफॉर्मेशन है वो एकेडेमिक्स में भी स्टूडेंट्स यूज करते हैं एज वेल एज दे आल्सो यूज इन सम रिसर्च वगैरह में भी यूज करते हैं बट फॉर्मुलरी स्पेशली कोई लोकल uh, नीड के लिए बनाई जाती है एंड देयर डिजायर कि ये ड्रग लिस्ट है वो जनरल ड्रग लिस्ट है कि वो सब कोई यूज कर सकता है स्पेशली फॉर देयर रिसर्च एंड आल्सो रिगार्डिंग देयर एकेडमिक्स बट फॉर्मुलरी स्पेशली कोई हॉस्पिटल कोई नेशन कोई स्टेट या फिर कोई रीजन के अंदर यूज़ हो तो यह है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलरी एंड ड्रग लिस्ट तो यहाँ पे यह हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप जरूर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए कि जहाँ पे आपको फार्मा रिलेटेड इन्फॉर्मेशनस लेक्चर्स एंड मटेरियल वगैरह मिलता रहेगा मैसेज टू तो जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू Nine four two six one eight zero eight three six. So be updated with farmer knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon. Also, use the app rocks Android application on Google Play as well as Apple iPhone App on App Store. So get the study material, Taste series, video lecture, and study material in printed as well as in PDF format on the App Farmerox Android application on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store.